ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं मुश्किलें तो साज है जिंदगी का उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही यह ठान के चलता हूं तो दोस्तों जिंदगी में अगर आपने कुछ मुकाम हासिल करना है तो अपने मन में यह विश्वास रखिए ठान लीजिए कि आपको मंजिल मिलेगी और जितनी भी मुश्किलें आएंगी चाहे आप जितनी बार गिरे चाहे जितनी ठोकरें खाएंगे लेकिन अंत में जो जीत होगा वो सिर्फ आपका होगा अगर मन में यह आप ठान लो तो आपको एक दिन काबिल कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता हेलो दोस्तों मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका टी क्लास के छोटे से परिवार में तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्मल हम जो अपना पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे क्लास टेंथ का मैथ्स था जिसमें हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग पिछले दो क्लासों में हमने अभी तक इसके एक्सरसाइज के बारे में देखा था एक्सरसाइज 3.1 और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आपने अभी तक पिछला क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिएगा जरूर ताकि आपको चीजें समझ में आए आपको बेस समझ में आए कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो होगा थ्री पॉइंट टू का इंट्रोडक्शन क्लास तो नॉर्मल से हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसमें हमने यह देखा था और यह जाना था कि अगर हमारे पास किसी तरह का कोई इक्वेशन है और उसको हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलना है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती थी इन सब चीजों को हमने देख लिया था और उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया था और हल्का सा हमने बात किया था कि अगर ऐसा कुछ हमारे पास है तो दो लाइनें अगर हमको मिलती हैं तो दो लाइनों में क्या क्या संबंध था तो हमने कहा था या तो इंटरसेक्ट करती हैं या तो एक दूसरे के ऊपर क्वेंसाइड होती हैं और या तो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं यानी कि या तो वो प्रतिच्छेदित करती हैं या तो वो संपाति होती हैं या तो वो समांतर होती हैं ये तीन कंडीशन हमारा था और इन्हीं तीनों कंडीशन को लेकर हमको आगे आज बढ़ना है और आज जब हम बात करेंगे तो इसमें हम नॉर्मल सा देखेंगे कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पिछले क्लास में भी हमने बात किया था कि इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ना आपको तो बाबू आपके पास चार मेथड्स हैं याद आ रहा है ना आपको चार मेथड का हमने नाम बताया था पहला ग्राफ मेथड्स के द्वारा दूसरा सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इन चारों मेथड यानी कि हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विलोपन ग्राफीय विधि और व्रज गुणनखंड विधि इन चारों विधियों में से आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पहला होगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफ मैथड यानी ग्राफ ग्राफ के द्वारा हम कैसे उसका सॉल्व करेंगे या कैसे वैल्यू को हम निकालेंगे तो आज हम नॉर्मल से अपना चर्चा करेंगे इसी के ऊपर कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ मेथड के द्वारा ठीक है तो इसका क्या हाल आएगा चलिए उसको शुरू करने से पहले हम जान जाते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइनें हैं तो उनमें क्या क्या संबंध हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो लाइने हैं तो उन दो लाइनों में आपस में क्या क्या संबंध हो सकती है इन्हीं चीजों को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं तो बाबू समझ लो कि अगर आपके पास दो लाइनें हैं एक लाइन ये गया और दूसरा लाइन ये आया तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती हूं इंटरसेट करती हूं तो यानी पहला कंडीशन हम कर सकते हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेट यानी कि प्रतिच्छेदित करती हैं प्रतिच्छेदित मतलब क्या होता है बाबू अरे बोलो ना एक दूसरे को क्या करती हूँ काटती हूँ काटती हूँ देख लीजिए आपको दिख रहा होगा एक दूसरे को ये लाइनें आपस में काट रही हैं देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है क्रॉस कर दिया तो अब बाबू इसमें आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है अगर लाइनें एक दूसरे को क्रॉस की हुई हैं तो वहां से हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं तो सबसे पहला चीज हमको जानना होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा या कितने इसके हल हो सकते हैं कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं तो बाबू एक बात याद रखना जितने कॉमन पॉइंट आएंगे दोनों लाइनों के बीच में उतने ही उसके सॉल्यूशन निकलने वाले हैं तो हमको दिख रहा है यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो केवल एक निकलेगा यानी एक सॉल्यूशन होगा एक हल होगा एक हल होगा और इसी एक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन यानी पहला कंडीशन हमारा बताता है यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है अद्वितीय हल अद्वितीय मतलब कि केवल एक हल निकलेगा तो याद रखना बाबू इस बात को आपको ध्यान देना है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेट करती हैं तो जितने जगह पे वो एक दूसरे को टच करेंगे उतने सॉल्यूशन निकलने वाले हैं तो आप देख रहे हो कि एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं इसका मतलब हम ये कह सकते थे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कितना निकलेगा केवल और केवल एक सॉल्यूशन निकलने वाला है और एक सॉल्यूशन होता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन यानी कि हम कह सकते हैं इसको अद्वितीय हल आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दूसरा बताना होता है कि क्या ये कंसिस्टेंट हो सकते हैं या नहीं तो बाबू अगर कंसिस्टेंट है कि नहीं अगर बाबू लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हां वो हंड्रेड परसेंट वो लाइन आपस में क्या है कंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट मतलब कि वो लाइनें आपस में क्या है संगत है तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना आप हमेशा कि अगर कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट करने के टाइम में वहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो केवल एक सॉल्यूशन होगा क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या किया है टच किया है और एक सॉल्यूशन निकलने के साथ साथ हम उसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल होता है यानी केवल एक हल होता है और जैसे ही आपके मन में ये बात पता चल गई कि हाँ ये इंटरसेट कर रही हैं इसका मतलब ये कंसिस्टेंट भी हैं यानी ये इसका कंसिस्टेंट पेयर हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर यानी कि संगत युग्म भी हैं ये दोनों संगत युग्म आपस में होंगे तो पहला कंडीशन हमारी ये पास था हमारे पास ये था कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो क्या हो रहा है आ जाओ बाबू दूसरे कंडीशन पे चलते हैं अब मान लेते हैं दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस ना की हैं बल्कि दोनों लाइनें एक के ऊपर एक चल रही हैं फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये था आपका और दूसरा लाइन ठीक इसके ऊपर चला गया दूसरा लाइन ठीक इसके ऊपर चला गया अब इस कंडीशन को आप क्या कहोगे इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में समपाती हैं यहां पे ये लाइनें इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेदित थी यहां पे समपाती यानी कोइनसाइड हैं कोइनसाइड हैं ये दोनों लाइनें आपस में इसलिए इसको हम कहते हैं समपाती तो बाबू कोइनसाइड कब होंगी समपाती कब होंगी जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी यानी जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर चली गई एक के दूसरे ऊपर दूसरा ओवरलैप कर गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो दोनों लाइनें आपस में क्या है संपाति ईड है तो दो कंडीशन मिला ना पहला इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है बाबू एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं दूसरा क्या है क्वाइन साइड यानी एक के ऊपर एक है अब इस कंडीशन में भी हमारा यही है जब लाइने आपस में क्वाइनसाइड है संपाति है तो पहली बात आती है कि उसे कितने सॉलिव सोल्यूशन होने वाले हैं तो बाबू अभी हमने आपसे बोला ना कि जितने जगह पे एक दूसरे को टच करेंगे उतने सॉल्यूशन उनके आएंगे जितने कॉमन पॉइंट होंगे उतने सॉल्यूशन आएंगे तो देखो ना बाबू यहां 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 हर जगह तो टच कर रही है हर जगह तो टच कर रही है यानी हम कह सकते हैं कि इसके जो हल होंगे ना वो इनफाइनाइट हल होंगे यानी कि अनेक हल होंगे यानी अनेक हल इसको हम कह सकते हैं इनफिनिट ठीक है ना अनेक हल होंगे क्यों क्योंकि अभी बात कर रहे थे बाबू कि जितने जगह टच किए उतने उनके हल निकले यानी उतने उनके सॉल्यूशन निकले अगर टच नहीं करता तो भाई उसके हल भी नहीं निकलते तो टच तो हर जगह कर रहा है इनफाइनाइट जगह कर रहा है तो इसलिए हल भी कितने होंगे इनफाइनाइट और तीसरा चीज जो इसमें ध्यान देना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है संगत पेयर है कि नहीं है तो हाँ बाबू ये भी कंसिस्टेंट पेयर होते हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं पहला कंडीशन क्या था कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेट करती हैं तो इंटरसेक्ट करती हैं तो वन सॉल्यूशन निकलेगा एक हल निकलेगा एक हल निकलने का मतलब यह है कि यूनिक सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुन्ना अद्वितीय हल होगा अद्वितीय हल होगा इसका मतलब ये क्या होंगे कंसिस्टेंट पेयर होंगे संगत युग्म होंगे दूसरा था जो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें ओवरलैप करने का मतलब क्या है एक दूसरे के ऊपर चले तो हम कहें कई जगह पर टच कर रहे हैं, इसका मतलब इसका आएगा, आएगा, और जिसमें आएगा उसको भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर है तो इस तरह से हमारे पास दो कंडीशन यहां पर निकल के आ गया तीसरा कंडीशन क्या होता है इसमें इसको देखिएगा पहला इंटरसेक्ट किया दूसरा ओवरलैप किया तीसरा एक दूसरे को पैरलर हो एक दूसरे के पैरलर यानी कभी एक दूसरे को कभी काटे ही ना अब आप, आप कहोगे सर ये जरूरी कि यही यह कैटेगरी बाबू कुछ नहीं मुन्ना ऐसे भी काट सकता है काटने से मतलब है कहीं भी काटे ये भी इंटरसेक्ट वाला ही है हम कहें ये ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है जा रहा जा रहा जा रहा है कहीं कट रहा है ना भाई वो सारा क्या है आपका इंटरसेक्ट में आ जाएगा तीसरा पैरलर पैरलर के बारे में आप जानते हो पैरलर लाइन क्या होती हैं ऐसे लाइनें जिनके बीच की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं यानी जो लाइनें कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं वैसे लाइनों को हम क्या कहते हैं पैरल लाइन है यानी कि समांतर रेखाएं हैं समांतर रेखाएं हैं तो इस कंडीशन में बाबू अब तो आप बता ही सकते हो ना कि कितने सॉल्यूशन निकलने वाले हैं जो समांतर होंगे तो देखो ना बाबू अभी हमने बोला ये लाइन एक दूसरे को क्या होंगी पैरल अब इसके मतलब हो गया ये समांतर समांतर है और समांतर होने का मतलब ही क्या हुआ आई थिंक नीचे आप लोग को दिख रहा होगा यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है दिख रहा है सारा अब हम बात करें अगर वो लाइनें एक दूसरे के पैरलर है तो कितने सॉल्यूशन होंगे तो बाबू जरा ध्यान दो ना अभी हमने कहा था दो लाइनें जितने जगह पे एक दूसरे को क्या करेंगी टच करेंगी यानी कॉमन पॉइंट जो होगा उतने सॉल्यूशन निकलेंगे ये क्या लाइनें आपको कहीं दूसरे को टच कर रही हैं क्या भाई पैरलर है तो हमेशा बीच की दूरी बराबर होगी और जब बीच की दूरी बराबर होगी इसका मतलब एक दूसरे को टच करेंगे ही नहीं और जब वो टच नहीं करेंगे इसका मतलब इसका कोई हल नहीं आएगा यानी इसमें हम लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं कोई हल नहीं तो इस तरह से हमको ये पता चला कि अगर लाइनें एक दूसरे के पैरलर हैं मतलब कि वो टच नहीं कर रही हैं इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होने वाला है। अब ये अब बात आती है तीसरा क्या ये कंसिस्टेंट पेयर होते हैं या नहीं अरे भैया टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो कंसिस्टेंट कहाँ होंगे कहां साथ वाले हैं तो इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है यानी कि असंगत है ये कैसे होते हैं इनकसिस्टेंट यानी कि असंगत पेयर होते हैं तो इस बातों को आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास लाइनें हैं तीन तरह से आपको मिल सकती हैं पहला कंडीशन क्या है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं दूसरा एक दूसरे के क्वाइनसाइड हो सकती हैं तीसरा एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को तो वहाँ पे एक क्रॉस पॉइंट निकलेगा एक कॉमन पॉइंट निकलेगा इसलिए एक सॉल्यूशन होता है उसी एक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अद्वितीय हल दूसरा अगर हमारे पास कंसिस्टेंट वो होता है यानी कि अगर यूनिक है तो इसका मतलब वो संगत पेयर है यानी कि कंसिस्टेंट पेयर है दूसरा संपाति में क्या था भैया संपाती है एक के ऊपर एक ओवरलैप है ओवरलैप है तो इसका मतलब हर जगह पर टच कर रहे हैं इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब इसके कितने हल होंगे अनेक हल होंगे और इसका मतलब ये भी क्या है कंसिस्टेंट पेयर है और तीसरा और लास्ट कुछ कंडीशन होता था कि एक दूसरे के क्या हैं पैरलर हैं और जब एक दूसरे के पैरलर हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही हैं और बाबू एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही हैं इसका मतलब वहाँ पे उसका कोई भी हल नहीं होने वाला है कोई हल नहीं होगा इसका मतलब वो कंसिस्टेंट भी नहीं है भैया वो इनकन्सिस्टेंट पेयर यानी कि असंगत युग में आती हैं चलिए इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं उसके बाद देखते हैं क्या बिना इसके भी कुछ काम चल सकता था आइए आगे बढ़ते हैं देखते हैं एग्जाम्पल तो आइए देखते हैं आगे हमारे पास कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमको नॉर्मल से ये बताना है क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्वेंसाइड हैं या कि पैरलर हैं इन दोनों तीनों में क्या संबंध हो सकता है तो आइए हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो दिख रहा है वो एक इक्वेशन यहाँ पे है दूसरा इक्वेशन यहाँ पे यानी पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन और दूसरा है कि टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू बाबू पिछले क्लास में हमने बात किया था याद आ रहा है ना अरे बोलो ना क्या था कि इक्वेशन को लेकर अलग अलग हम चार्ट तैयार करेंगे और चार्ट तैयार करने के बाद क्या करेंगे खा जाएंगे अरे कदे खाना नहीं है उसका क्या करना है ग्राफ तैयार करना है चलिए आते हैं इक्वेशन वन से इक्वेशन वन क्या है हमारे पास इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो क्या करो वैल्यू पुट करना था ना एक्स बराबर कितना ले लेते हैं चलो जीरो ले लेते हैं तो एक्स बराबर अगर हम जीरो लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा जीरो माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो तो हम लिख सकते हैं माइनस टू वाई बराबर जीरो तो वाई बराबर भी कितना आ जाएगा जीरो यानी जब हमने एक्स की वैल्यू जीरो ली तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई जीरो वन ले लेते हैं एक्स की वैल्यू तो बाबू ध्यान देना कल बोले थे फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए डेसिमल नहीं आना चाहिए तो वन लेते हैं तो ये वन इधर चला जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा फ्रैक्शन में आएगा नहीं लेंगे टू ले लो बाबू एक्स इक्वल टू कितना लेने पे टू लेने पे और जैसे हम एक्स इक्वल टू टू लेंगे तब हमारे पास क्या निकल के आएगा तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास टू माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो टू को इधर कर दो माइनस हो जाएगा तो माइनस टू वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस टू माइनस माइनस टू से टू यानी हमारे पास जो वाई की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी हो गई वन <coughs> यानी हम ये कह सकते हैं कि वाई एक्स की वैल्यू जब हमने टू ली तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई वन क्या कहे थे चार्ट 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 चार, तैयार करो इसका क्या हो गया यहां पे आपका हो गया x यहां पे हो गया y सबसे पहले x की वैल्यू आपने कितना ली जीरो जब x की जीरो ली तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई जीरो फिर x की वैल्यू आपने कितनी ली टू तो y की वैल्यू कितनी आ गई वन पहला चार्ट कंप्लीट आओ इक्वेशन दो से बाई इक्वेशन टू क्या है इक्वेशन टू भाई हमारे पास तो टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो ठीक है सॉल्व करो जरा इसको अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू मान लो पहले जीरो ही लेते हैं तो एक्स बराबर कितना ले लिया हमने जीरो, कितना ले लिया? जीरो. अब निकाल लो तो क्या होगा यहाँ पे तो टू इन टू जीरो प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो तो ये हो गया जीरो प्लस फोर वाई ये ट्वेंटी प्लस इधर आके क्या हो जाए माइनस इधर आके प्लस ट्वेंटी हम लिख सकते हैं फोर वाई इक्वल टू ट्वेंटी ये कट गया फाइव टाइम में यानी y की वैल्यू जो मेरे पास आई वो कितनी आ गई फाइव यानी जब मैंने x बराबर जीरो लिया तो y की वैल्यू जो निकल के आती है वो कितनी आती है पांच आ जाओ जरा अब जीरो के बाद एक लेकर देखते हैं तो एक लेते हैं x बराबर कितना लेने पे वन लेने पे बाई टेकिंग एक्स इक्वल टू वन आ जाओ अगर एक लेते हैं तब क्या होता है तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास टू इंटू वन प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो सॉल्व करो बाबू यहां पे टू आ जा टू प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो पे हो गया फोर वाई ओहो माइनस एटीन इक्वल टू जीरो पे नहीं आएगा टू रखने पे वन रखने पे नहीं आ रहा टू लेकर चलते हैं जरा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू यहाँ पे हो जाएगा टू और टू टू जा यहां पे कितना हो गया टू रख लिया रेक्स यहाँ पे टू टू जा फोर और ट्वेंटी में से फोर गया कितना गया सिक्सटीन तो यहाँ पे हो जाएगा फोर वाई बराबर ये माइनस दिया जाएगा प्लस सिक्सटीन फोर से कट गया फोर टाइम है वाई की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई फोर इसका भी चार्ट तैयार कर लो हो गया हमारा काम इतना काम अगर आपने कर लिया तो समझो आपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया अगर ये आप सीख गए कैसे हो गया तो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया नहीं है तो पिछला क्लास देखो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एक्स की वैल्यू कितना लिया जीरो वाई तो की वैल्यू कितनी आई फाइव एक्स की वैल्यू कितनी ली टू तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई फोर क्या करते हैं बाबू आप आपको पता करना है ना ये कैसा है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं तो आओ आप फटाक से क्या बना लो अपना एक फिगर बना लो ये आपका एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस ये वाई डैश बोल दो इसको हम बोल देते हैं एक्स डैश अब क्या करना है बाबू तो नंबरिंग कर दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री सिक्स सेवन एट कई बच्चों को मन में ख्याल आ रहा होगा सर हमेशा आठ करेंगे क्या अरे नहीं बाबू आपको जितना जरूरत है उतना कर सकते हो सकता है आठ से ऊपर भी जरूरत पड़े तो ऊपर कर सकते हो नीचे भी रख सकते हो आओ पहले चार्ट पे देखते हैं वो एक्स पे कितना है जीरो यानी एक्स पे दूरी नहीं चला यानी यहीं पे ये बीच वाला पॉइंट जीरो वाई पे कितना है अरे भैया ये भी जीरो यानी ये हो गया पहला पॉइंट जीरो का माँ जीरो तो ये हमारा हो गया जीरो का माँ जीरो यानी कि ओरिजिन पॉइंट कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं दूसरा एक्स पे टू वन टू एक्स पे कितना चल गए दो वाई पे कितना चलना है वन तो वाई पे वन कहा लेते हैं बाबू अभी बताए थे पिछले क्लास में जहां एक दूसरे को क्या करते हैं मिलते हैं तो यहाँ मिला यानी ये हमारा मिल गया टू कॉमा वन देखो ये टू कॉमा वन अब इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दो मिला दिया मिला दिया वेरी गुड तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई मिल गया आओ नेक्स्ट जरा देखते हैं चार्ट क्या है जीरो कमा फाइव अब ये जीरो का मां फाइव का है जीरो तो यहीं पर फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये आपका हो गया जीरो का फाइव, जीरो का फाइव। नेक्स्ट कितना टू का माँ फोर टू वन टू ये हो गया और ये हो गया फोर तो कहां मिलेगा भाई जहां एक दूसरे को ये क्या कर देंगे मिलते हैं तो ये हो गया टू का माँ फोर अब बाबू इन दोनों लाइनों को भी क्या कर दो आपस में मिला दो ना मिला दो तो हम कह सकते हैं ये आपका कितना था जीरो का फाइव था और ये कितना था टू कामा फोर टू का मा फोर देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये जो इक्वेशन है एक दोनों को क्या करेंगे इंटर सेक्ट करने वाले हैं यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिचेदित करेंगे यानी सिंपल से हम ये बता सकते थे फिगर बना के कि ये दोनों लाइनों में क्या संबंध होने वाला है दोनों लाइनें क्या कर रही हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं बाबू एक चीज यहां से और समझ लो कभी कभी इसका सॉल्यूशन पूछ देता है कि यहां से यक्स की वैल्यू बताइए कितनी हो सकती है और वाई की वैल्यू बता दीजिए कितनी हो सकती है तो एक्स और वाई की वैल्यू बताना है ना तो जहां पे एक दूसरे को उसने टच किया इंटरसेट किया है जो भी हुआ है वहां पे चेक कर लो यक्स पे कितना चला है और वाई पे कितना चला है वही आंसर तो मान लेते हम यहां पे यक्ष पे ये मान लेते हैं सीधे यहां पे आ रहा है ठीक है ना तो यक्ष पे कितना गया है वन टू थ्री फोर फाइव एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फाइव और वाई पे मान लेते हैं हमारे यहां था तो कितना था वन टू एंड थ्री तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई तो एक्स की वैल्यू फाइव आ जाएगी वाई की वैल्यू थ्री आ जाएगी यानी अब कॉपी जरूर नहीं फाइव और थ्री होगा आप कॉपी में बनाइएगा सही से आप स्केल लेकर बनाएंगे तो आपका करेक्ट आएगा जो जहाँ पर मिलेगा वही उस इक्वेशन के लिए यक्स और वाई की क्या हो जाती है वैल्यू हो जाती है यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक सवाल दे देगा सिंपल क्वेश्चन दे देगा कहेगा और कहेगा इसमें एक्स एंड वाई का मान बताइए यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू बताइए और कह देगा बताए थे चार मेथड था आपके पास सब्सिट्यूशन एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ ग्राफ मेथड अब वो कह देगा कि ग्राफ मेथड से बताइए का मान तो क्या करोगे आप सबसे पहले ग्राफ बनाओगे और जैसे ही ग्राफ बना तो देखोगे कहा टच कर रहे हैं भैया यहां पे टच किए हैं यहाँ पे एक दूसरे को काटे हैं और जहां काटे हैं ना वहां पे वहां पर जो भी उसका कोऑर्डिनेट है लिख लो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है यक्स पे चली गई दूरी और वाई पे चली गई तो यस पे कितना दूर गया है फाइव कॉमा वाई पे कितना गया है थ्री तो फाइव कॉम थ्री एक्स की वैल्यू फाइव वाई की वैल्यू कितनी आ गई थ्री इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं आशा कर रहे हैं बाबू समझ में आ रहा हो चीजें चलिए आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और उसको देखते हैं क्या है एग्जाम्पल चलिए आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है उसको सॉल्व करते हैं देखते हैं इसका क्या होता है इन दोनों में क्या संबंध होता है तो फिर वही काम है टू एक्स प्लस इक्वल टू जीरो माइनस नाइन इक्वल टू कितना करोगे जीरो इक्वेशन नंबर वन और यहाँ पे कर लोगे फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन इक्वल टू कितना जीरो इसको कर लोगे इक्वेशन नंबर टू करोगे क्या बाय इक्वेशन वन बाई इक्वेशन वन बाबू डायरेक्ट अब कर रहे हैं आप इसको सॉल्व करोगे अपने कॉपी में अपने मन से तो क्या करोगे बाबू जरा हम ध्यान दें यहां पे। अगर x की जगह पे हमने कितना लिया जीरो जगह पे कितना लिया जीरो तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई जीरो यहां से आ गया थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो थ्री वाई इक्वल टू तो यानी आ जाएगा वाई की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी थ्री आप निकाल लेना बाबू पीछे भी बताएं कैसे निकालना होता है कैसे सॉल्व करना होता है हम डायरेक्ट कर रहे हैं आपके लिए यह है घर पे आप करोगे मान लीजिए वन लेते हैं तो वन होगा तो टू वन जो टू सेवन हो जाएगा नहीं आएगा टू लेते हैं तो फोर फाइव हो जाएगा नहीं आएगा थ्री लेते हैं एक्स इजल टू कितना ले लेंगे थ्री जरा करो तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स और नाइन में से सिक्स गया माइनस थ्री यहाँ पर आ जाएगा थ्री तो यहाँ पर हो जाएगा वाई की वैल्यू वन तो यहां से इस तरह से हमको एक निकल के आया हमारे पास चार्ट बना तो वो चार्ट क्या तैयार होता है कि x एंड y में x की वैल्यू जीरो लेते हैं तो y की वैल्यू थ्री आती है x की वैल्यू थ्री रहते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है वन आती है चलो आ जाओ नीचे बाई इक्वेशन टू बाई इक्वेशन टू क्या है हमारे पास फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एट्टीन इक्वल टू जीरो बाबू वही काम करो ना एक्स बराबर कितना लो जीरो तो y की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आएगी थ्री आएगी फिर हम वन पे नहीं आएगा टू पे नहीं आएगा फिर x बराबर थ्री ले, ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री हो जाएगा तो फोर थ्री या ट्वेल्व सिक्स यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई वन तो इस तरह से हमारा इसका भी चार्ट तैयार होता है और वो चार्ट यही होगा <coughs> <coughs> सॉरी जीरो थ्री थ्री वन अब क्या करेंगे बाबू फिगर फिगर चलो अब तो आसान हो गया ना बाबू अब ज्यादा परेशानी नहीं होगा तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 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 आप याद रखना बाबू सब दूरियाँ आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं बराबर होती हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहला जीरो थ्री जीरो वन टू थ्री यहाँ पे आया जीरो थ्री दूसरा थ्री वन थ्री वन कहाँ मिला है इन दोनों लाइनों को आपस में क्या कर दो मिला दो ये पहला लाइन, लाइन। ये पहला लाइन. दूसरा क्या है बाबू जीरो थ्री सेम है थ्री वन सेम है इसका मतलब क्या हुआ जो दूसरा लाइन जा रहा है वो भी इसी के ऊपर है और अभी हमने पढ़ा था जब दो लाइनें एक दूसरे को ऊपर जाती हैं तो दोनों लाइनें आपस में कैसे हैं क्वाइन साइड यानी कि हम कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में सम्पाती हैं कैसी हैं संपाती हैं और सम्पाती होने के साथ साथ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन अनेक हल मिलने वाले हैं इसको अब भाई एक्स और वाई के मान क्या क्या हो सकता है यहाँ पे तो भैया अनेक हो सकते हैं कुछ भी ले लो मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं ठीक है ना यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स की वैल्यू वन टू थ्री फोर माइनस फोर वाई की वैल्यू तो वन टू थ्री फोर फाइव तो वाई की वैल्यू फाइव और कहीं ले लो भाई यहां पे दूसरा आ जाएगा यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी यहां पे होंगे, एक के, अनेक मान निकल के आएंगे इसी तरह से जो आपका तीसरा इक्वेशन है जब आप इसको सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन आपके लिए आप घर से सॉल्व करना बताना जरा क्या आ रहा है जब इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे ना वहां पर जो ग्राफ बनेगा तो वहां पर जो लाइनें आएगी ना वो एक दूसरे की पैरल आनी चाहिए शायद चेक कीजिए क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे के आती हैं या नहीं आती हैं चेक करके बताइए क्या ऐसा संभव है क्या यहाँ पे पैरलर आएंगी तो इस तरह से हम ये बता सकते थे नॉर्मल सा कि कौन सा लाइन एक दूसरे में क्या संबंध रखती हैं देखो बाबू ये चीजें बहुत इजी हैं जब इसको आप इजी वे में लोगे थोड़ा सा मेहनत से समझोगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं कई बार बच्चों के मन में आता है सर अगर हमारे पास क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्ट ऑप्शनल में आ जाए ठीक है ऑप्शनल में आ जाए और पूछे बताइए क्या दो लाइनें जो हैं वो एक दूसरे में जो दो इक्वेशन दी हुई हो क्या संबंध होगा क्या एक दूसरे में वो आपस में रिलेशन शो करेंगे तो बच्चे कहेंगे क्या सर ये दो पेज का क्वेश्चन करना जरूरी है क्या हमको रिलेशन बताना था कि पूरा रिश्तेदारी निभाना है ठीक है तो रिलेशन बताना है तो इसके लिए भी आपके पास एक तरीका होता है जिसको आप कंपेयर करके बता सकते हो क्या करते हो कंपेयर करके बता सकते हो कि इन दोनों लाइनों में क्या संबंध हो सकता है क्या वो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं क्या वो लाइनें आपस में कौन साइड है या लाइनें आपस में पैरल हैं तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं कैसे तरीके यानी कैसे हम छोटे अगर क्वेश्चन में कहा है कि ग्राफ के द्वारा सॉल्व करो तो सॉल्व तो करना है बाबू लेकिन अगर नहीं कहा है फिर क्या कर सकते हो आपके पास क्या ऑप्शन है तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास लाइनें वो तीन तरह से हो सकती हैं एक तो इंटरसेक्ट करेंगी दूसरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी यानी ओवरलैप करेंगे क्वाइन हैं और तीसरा एक दूसरे के पैरेलल है। इन तीनों कंडीशनों में होता क्या है उसको जरा समझना तो यहाँ पे अगर हम कहें कि क्वेश्चन में है पहला इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपने कहा था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है यानी कि इसका अद्वितीय हल होता है केवल और केवल एक हल होता है इसके साथ साथ आपने बताया कि ये आपस में कंसिस्टेंट होते हैं यानी कि आपस में ये संगत होते हैं इसमें आपने क्या बताया इसका आपने बताया कि एक दूसरे क्वाइन साइड है ये कैसी थी इंटर इंटरसे कर रही थी ये कैसे हैं? क्वाइन साइड है क्वाइन साइड का मतलब क्या हो गया संपाती है इसका मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है अनेक हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ साथ ये भी क्या होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं तीसरा एक दूसरे को क्या है पैरलर है ठीक है ना पैरेलल पैरेलल जब भी हो गए ठीक है ना जब भी एक दूसरे क्या हो गए पैरेलल हो गए इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका जो होगा वो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्यों नहीं होगा अभी इसके बारे में हमने चर्चा किया है कि जब तक टच ही नहीं किया इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं हुआ अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इसका मतलब इनमें कोई संबंध नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट होते हैं यानी कि असंगत होते हैं इन सब चीज़ों को हमने क्या कर लिया है देख लिया है अब आते हैं कैसे बताते हैं कि क्या एक दूसरे को बिना सॉल्व किए बिना सॉल्व किए चलो पिछला हमने क्लास देखा था उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था क्या होता था ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और दूसरा जो था ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो तो इसी का आपको यूज करना है कि क्या हो सकती हैं अगर आपका ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के बस ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के तो आप कहोगे उसके यूनिक सोल्यूशन होने वाले हैं यानी कि ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू तो वहां पे उसके जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे यूनिक यानी कि वो इंटरसेक्ट करने वाले हैं दूसरा अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू है के यानी तीनों आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे भैया वहां पे जो मेरा होगा वो क्वाइन साइड होगा लाइन आपस में संपाती हैं दोनों इक्वेशन आपस में क्या हैं बराबर हैं और तीसरा अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू तो है बी वन अपॉन बी टू के बट नॉट इक्वल टू है सी वन अपॉन सी टू के तो इस कंडीशन में हम कह देंगे कि ये लाइनें आपस में कैसी हैं पैरेलल हैं शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आया अब आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर करते हैं पूरा डाउट यहाँ पे खत्म हो जाएगा थोड़ा सा ए, एक मिनट और ध्यान दे दी दीजिएगा आपका इस चैप्टर से जो डाउट होगा वो डाउट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा चलिए तीसरा एग्जाम्पल जो छोड़े थे करने को उसको लेते हैं इस मेथड से करते हैं तो क्या है भैया हमारा तीसरा मेथड वो दिया है x माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो और फिर दिया है टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो भैया हमको करना क्या है इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें करना क्या था तो हमको यही करना है कि आपको करना क्या यहां पे प्लस कर लीजिएगा बाबू इसमें भी प्लस कर लीजिएगा आपको करना क्या है कि सिंपल सा आप ए वन की वैल्यू लिखो बी वन की वैल्यू लिखो सी वन की वैल्यू लिखो फिर ए टू की वैल्यू लिखो बी टू की वैल्यू लिखो और c2 की वैल्यू लिखो तो भैया आपके पास ये फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म है कंपेयर कर दो ना a1x ए वन यानी ऊपर वाला कुछ नहीं है तो वन है तो ए वन की वैल्यू कितनी आ गई की वैल्यू कितनी है टू सी वन की वैल्यू कितनी है तो देख लो माइनस है इसमें तो आओ ए टू की वैल्यू कितनी है तो दो बी टू की वैल्यू कितनी है फोर सी टू की वैल्यू कितनी है माइनस ट्वेल्व और आपको करना क्या है अब यहां से आगे से आपको अलग अलग ना ए वन अपान ए टू निकाल लो कितना हो जाएगा वन अपान टू ए वन अपान ए टू फिर क्या निकाल लो बी वन अपान बी टू क्या हो जाएगा टू अपान फोर यानी ये भी हो गया वन अपान टू यानी ये भी आ गया वन अपान टू ए वन अपान ए टू निकल गया बी वन अपॉन बी टू निकल गया अब निकाल लो सी वन अपान सी टू यह कितना होगा माइनस फोर अपान माइनस ट्वेल्व ये हो गया वन अपान थ्री अब जरा आओ ये वन अपान टू ये वन अपान टू यानी हम कह सकते हैं कि ए वन अपान ए टू जो है वो बराबर है बी वन अपान बी टू के लेकिन बराबर नहीं है सी वन अपान सी टू के बाबू कहां दिख रहा है ये तीसरे नंबर पे कौन सा दिख रहा है तीसरे नंबर पे यानी हम कह सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं आपस में ये क्या करेंगी पैरलर हैं एक दूसरे को काटेंगी नहीं और पैरलर आपके पास आया तो दिमाग में दो तीन बात एकदम घूम जानी चाहिए क्या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तीसरा उसका जो वो पेयर है वो कैसा है इनकंसिस्टेंट पेयर यानी कि असंगत हल होंगे आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अब अच्छे से चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है चलिए इरेज करते हैं इसको और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है एग्जाम्पल हमारे पास चलिए यहां से डायरेक्ट लेते हैं ए वन की वैल्यू कितनी है तो फिर बी वन की वैल्यू कितनी है सी वन की वैल्यू कितनी है ए टू की वैल्यू कितनी है बी टू की वैल्यू कितनी है और सी टू की वैल्यू कितनी है तो पहले में ए वन की जगह पर कितना है टू बी वन की जगह पर कितना है थ्री सी वन की जगह पर कितना है माइनस नाइन बाबू कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था तो पिछले क्लास में बताया गया था ये हमेशा इस फॉर्म में होता है और हमेशा इक्वल टू के बाद ट्वेल्व कोई क्वेश्चन हो टू एक्स प्लस फोर वाई या टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन इसमें कैसे ए वन बी वन सी वन तो बाबू टू एक्स प्लस वाई नाइन को इधर लेते हैं ना पहले तो माइनस नाइन इक्वल टू जीरो आपका ए वन ये आपका बी वन आपका सी वन ऐसे कुछ करना फिर करना आ जाओ दूसरे में देखते हैं ए टू की वैल्यू फोर बी टू की वैल्यू सिक्स सी टू की वैल्यू माइनस एटीन क्या निकालना है बाबू याद है ना ए वन अपन ए टू यानी टू अपन फोर यानी ये कट के कितना हो जाएगा वन अपॉन ये कितना गया वन अपॉइन टू फिर बी वन अपॉन बी टू क्या हो जाएगा थ्री अपॉन सिक्स यानी कि वन अपॉन टू बहुत अच्छा समझ गए हो सी वन अपॉन सी टू यानी कि यहां पर कर सकते हो माइनस नाइन अपॉन माइनस एटीन माइनस माइनस कट गया वन अपॉन टू यानी कि यहां भी वन अपॉइंट टू यहां भी वन अपॉइंट टू यहां भी वन अपॉइंट टू यानी हम लिख सकते हैं <coughs> सॉरी ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू है सी वन अपॉन सी टू तीनों बराबर है अरे भैया तीनों बराबर है तो नीचे बीच वाला अभी बताए थे जब तीनों इक्वल टू हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं यानी क्वाइन साइड है क्वाइन आते हैं हमारे दिमाग में फट से आना चाहिए कंसिस्टेंट है इन्फिनिट हल है यानी अनेक हल हैं कंसिस्टेंट है इन्फिनिट हल है, है यानी इस तरह से हमारे दिमाग में जब चीज़ें घूमती रहेंगी ना फिर हमसे गलतियाँ नहीं होंगी तो जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन करते तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक्स माइनस टू वाई यहीं पर ले लेते हैं नीचे छोटा सा है जल्दी से इसको शॉर्टकट में करने का प्रयास करते हैं वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू कितना है भैया एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू आई थिंक ट्वेंटी है क्या जी माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई ये इक्वल टू ट्वेंटी चलिए इसमें आप बताते हैं कि क्या होगा भैया फिर वही काम तो आप अगर देखोगे तो ए वन की वैल्यू आप हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए वन अपान ए टू की वैल्यू लिखते हैं फिर बी वन अपान बी टू की वैल्यू लिखते हैं फिर सी वन अपान सी टू की वैल्यू लिखते हैं चलो लिखते हैं ए वन यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो वन है तो वन अपान यहाँ पर कितना हो गया थ्री चलो यहां पे देखते हैं तो माइनस टू अपॉन यहां पे क्या है फोर हो गया क्यों ये ऊपर वाला ए वन बी वन और इधर आएगा तो ये सी वन ए टू बी टू इधर आएगा तो सी टू अब आ जाओ सी वन की वैल्यू ये इधर आएगा तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा अपॉन में ये बीस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बीस तो सी टू जरा यहाँ देखना वन अपॉन थ्री टू अपॉन फोर ये तीनों अलग है इसको देख लिया जाए तो वन बाई टू आएगा तीनों अलग है यानी हम कह सकते हैं कि ए वन अपॉन ए टू जो है वो नॉट इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के यानी ये आ गया पहला कंडीशन और जैसे ही पहला कंडीशन मिला तो हम कह सकते थे कि ये हमारा जो होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से आप इंटरसेक्ट करने का बात दिमाग में जैसे ही आता है आप क्या कह सकते हो कि लाइनें वहां पे जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे कितने सॉल्यूशन होंगे एक एक सोल्यूशन क्या बोलते हैं यूनिक यूनिक होने के साथ साथ वो तो कैसी है कंसेस टेंट है तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में इसके एक्सरसाइज के साथ ध्यान रखिएगा इसके एक्सरसाइज के साथ देन अगले क्लास में चलेंगे जब हम सब्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा थैंक यू सो मच